नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत बड़े धनवान बन सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन खास जड़ी बूटियां आपको धारण करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कैसे धारण करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे चमेली का फूल। आपने देखा है ना, चमेली का फूल, चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत पसंद है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही चमेली के फूल की जड़ शुक्रवार को सफ़ेद धागे में गले में धारण करेंगे। उससे क्या होगा, आप मालामाल होना शुरू हो जाओगे। उसके बाद एक दूसरी जड़ है, जो आपको जड़ मिल जाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जड़ है बेलपत्र की जड़। बेलपत्र शिवजी को चढ़ाया जाता है, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं वो। बेलपत्र हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। वही बेलपत्र जिसका बेल फल होता है, उसकी जड़ आप ले आइए, उसको धो के गंगा जल से धो करके रविवार को लाल धागे में अगर गले में धारण करें तो आप मालामाल हो जाओगे, बहुत मालामाल हो जाओगे, बहुत धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरी जड़ है विधारा की जड़। विधारा एक ऐसी जड़ होती है जो बुध ग्रह को बलवान करती है। बुध ग्रह योजना बनाकर धन कमाने का एक योगदान करता है। बुध ग्रह धन दौलत दे करके आपको ऐश्वर्यवान बना देता है। बुध का कारक ग्रह कृष्ण जी हैं, विष्णु भगवान हैं जो धन देते हैं। तो विधारा की जड़ हरे धागे में बुधवार को गले में धारण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी जड़ होती है जिसे शिवजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वह है धतूरे की जड़। धतूरा शिवजी को चढ़ाया जाता है ना शिवरात्रि में, या सोमवार को धतूरा चढ़ाते हैं तो शिवजी बड़े प्रसन्न होते हैं। उसकी जड़ सोमवार को लाएं आप, वो आसानी से मिल जाता है कहीं भी। सोमवार को सफ़ेद धागे में उसे गले में धारण करें। उसके बाद होती है आग। आग का फूल होता है, आग का फूल सफ़ेद फूल होता है जो कि शिवजी पर चढ़ाया जाता है। सोमवार को आग की जड़ ला करके और आप उसे गले में धारण कर लें सफ़ेद धागे में। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी सारी जड़ें तो बता दी लेकिन मिलेगा कहाँ। तो आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान हो या आयुर्वेद की दुकान हो, जड़ी बूटियों की दुकान हो, वहाँ जा कर के आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। बहुत महंगी नहीं है और एक छोटी छोटी आसानी से, छोटी छोटी आसान जड़ियों से आप गले में धारण करके आप माला माल और धनवान हो सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मुझे जाने के लिए इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। मैं फिर आऊँगा अच्छे अच्छे टिप्स लेकर।